आपने रिले रेस में हिस्सा लिया होगा, अगर हिस्सा नहीं लिया होगा तो उसे टीवी पर तो जरूर देखा होगा, नहीं देखा तो यहां देख लीजिए। देखा आपने ये जो रूल, जो एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को पास कर रहे हैं उसे बैटन कहते हैं। ये पासिंग एक टीम के खिलाड़ी उसी टीम के दूसरे खिलाड़ी को करते हैं। आप सोचेंगे कि इस रेस की बात मैं यहां क्यों कर रहा हूं, तो आज हम जो राजनीतिक खबर करने जा रहे हैं वो कुछ इसी खेल से प्रेरित दिखती है। भाजपा ने हाल ही में अपना जिलाध्यक्ष घोषित किया है, आबू रोड के सुरेश कोठारी को ये पद दिया गया है। ये पदभार नारायण पुरोहित से लेकर के दिया गया है। पिछले 18 सालों से जिले की राजनीति को जब मैं कवर कर रहा हूं, लेकिन अपना पद छीनने पर किसी भी जिला अध्यक्ष ने इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी होगी जैसी वायरल हो रही तस्वीर में दिख रही है। इसमें निवर्तमान जिलाध्यक्ष नारायण पुरोहित नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुरेश कोठारी को मिठाई खिला रहे हैं। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष और निवर्तमान जिलाध्यक्ष अपने सम्मान समारोह में भी साथ साथ जा रहे हैं। आज तक किसी भी पार्टी के निवर्तमान और वर्तमान पदाधिकारी ने इस तरह का सौहार्द नहीं दिखाया गया होगा। हाल ही में कांग्रेस में भी जिलाध्यक्ष पद में है, उसमें भी ऐसा अपनत्व नहीं दिखा। वैसे सौहार्द अच्छी बात है, भाजपा के इस सौहार्द को राजनीतिक आदर्श बनाने के लिए इसके पीछे की दास्तान खंगाली तो इसमें रिले रेस नजर आई। इसमें एक ही टीम का एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को बैटन स्थानांतरित कर रहा है, तो सिरोही भाजपा में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की रिले रेस में बैटन पास करवाने वाले खिलाड़ी नारायण पुरोहित है, उसे लेकर आगे बढ़ने वाले खिलाड़ी सुरेश कोठारी और बैटन है जिलाध्यक्ष का पद। तो आप सोचेंगे फिर टीम का नाम क्या है। संगठन सूत्रों के अनुसार जिलाध्यक्ष के पद के लिए अंतिम दौर में दो दावेदार थे, वीरेंद्र सिंह चौहान और सुरेश कोठारी। सुरेश कोठारी मनोनीत हुए। संगठन सूत्रों की माने तो इनको भी प्रकाश गुप्ता की वरदहस्ती प्राप्त है, जिनकी वरदहस्ती में नारायण पुरोहित भी बताए जाते हैं। तो ऐसे में इस टीम को टीम प्रकाश गुप्ता माना जा सकता है। प्रकाश गुप्ता भाजपा के पूर्व संगठन महामंत्री हैं, इनका कार्य क्षेत्र सिरोही जिला रहा है, तो इनका अधिकतर प्रवास भी सिरोही जिले में रहता है। आरएसएस के सिरोही क्षेत्र में प्रचारक के तौर पर इन्होंने काफी लंबा समय व्यतीत किया है। जिले में गुप्ता नारायण पुरोहित के राजनीतिक मेंटर भी माने जाते हैं और सुरेश कोठारी के भी। लंबे समय तक फील्ड में काम करने से इनका इस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव भी माना जाता है। जिले में भाजपा जिला अध्यक्ष के लिए जो दौड़ चल रही थी उसमें शिवगंज क्षेत्र से दिनेश बिंदल, दिलीप सिंह मांडाणी और सूरजपाल सिंह अरठवाड़ा, सिरोही तहसील से ओबीसी वर्ग से लंबाराम चौधरी और सामान्य से वीरेंद्र सिंह चौहान का नाम चल रहा था। आबू रोड से सुरेश कोठारी को आरएसएस से जुड़े होने के कारण इस दौड़ में प्रमुख चेहरा माना जा रहा था। सुरेश कोठारी का नाम की घोषणा होने के साथ ही भाजपा में ओबीसी को नजरअंदाज करने की चर्चा चलने लगी, जो कि सिरोही जिले में सिरोही रेवदर और आबू पिंडवाड़ा विधानसभा सीटों पर भाजपा का प्रमुख वोट बैंक है। नारायण पुरोहित सिरोही विधानसभा सीट से लंबे समय से विधानसभा का चुनाव लड़ने के प्रयास में है। 2008 से लेकर आज तक वो इसके लिए दावेदारी कर रहे हैं। भाजपा संगठन की अंदरूनी चकल्लस के अनुसार टीम प्रकाश गुप्ता के ही सुरेश कोठारी को जिलाध्यक्ष मनोनीत करने के पीछे की प्रमुख मंशा भी यही मानी जा रही है। किसी भी संगठन में विधानसभा की उम्मीदवारी के लिए जिला व स्थानीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की संस्तुति को प्रमुख माना जाता है। अपने गुट के सुरेश कोठारी को जिला अध्यक्ष बनवाने से मंडल अध्यक्ष भी नारायण पुरोहित के करीबी लोग ही रहेंगे। इससे प्रदेश और केंद्र में सिरोही विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद की दावेदारी के दौरान जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों का नारायण पुरोहित के नाम की संस्तुति करना या सहमति पत्र भेजना आसान हो जाएगा। जैसे अब संगठन में कयास लगाया जा रहा है कि दोनों के एक ही गुट होने से जिला और मंडल के संगठनों में आधा दर्जन से ज्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा। जिले में महामंत्री और मीडिया प्रभारी के पद पर आबू रोड से दो नाम
चल रहे हैं। इसके अलावा एक दो मंडल अध्यक्षों को बदलकर शेष मंडलों को यूं ही रखे जाने की चकल्लस भी चल रही है। इससे मनोनयन में लगने वाला समय भी बचेगा। पुरोहित और कोठारी की फोटो के वायरल होने पर पार्टी समूहों में ये भी चर्चा है कि जिलाध्यक्ष पद की घोषणा से पूर्व ही सुरेश कोठारी नारायण पुरोहित के जिरावला स्थित फार्म हाउस पहुंच गए थे। संगठन सूत्रों के अनुसार इनके मेंटर का अस्थायी प्रवास भी यहीं होता है। जिलाध्यक्ष पद की घोषणा के बाद ही नारायण पुरोहित और सुरेश कोठारी का एक दूसरे को मिठाई खिलाने का अभूतपूर्व फोटो वायरल हुआ। फिलहाल सुरेश कोठारी जिले के एकमात्र भाजपा नेता बन चुके हैं जिन्हें बीसू का उपाध्यक्ष, यूआईटी चेयरमैन के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद दिया गया है। अपने ही प्रमुख ओबीसी और सामान्य वर्ग के वोट बैंक को दरकिनार करके जिले के ही जैन समुदाय से जुड़े भाजपाइयों को भाजपा जिला अध्यक्ष और महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंपने से भाजपा सिरोही विधानसभा के जैन विधायक संयम लोढ़ा का कार्ड तैयार कर पाएगी या नहीं ये दिसंबर में पता चलेगा। लेकिन कोठारी पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा जातिवाद पर भरोसा नहीं करती, किसी एक समाज के बजाय जीत के लिए सभी वर्गों के वोट लेने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।